नमस्कार दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के दिन इतिहास में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। 10th November 1940, ऑन दिस डे मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड इन द अर्थक्वेक इन रोमानिया एंड मोर देन 4000 पीपल वर इंजर्ड। आज ही के दिन रोमानिया में आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे तथा 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 10th November 1951, ऑन दिस डे द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल 96। आज ही के दिन राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 96 को स्वीकार किया था। 10th November 1951, on this day direct dialing phone service was started in the US। आज ही के दिन अमेरिका में डायरेक्ट डायलिंग फोन सेवा प्रारंभ हुई थी। 10th November 1983, on this day बिल गेट्स launched विंडोज 1.0। आज ही के दिन बिल गेट्स ने विंडोज 1.0 की शुरुआत की थी। 10th November 1995, on this day, Commonwealth Summit in New Zealand's Auckland was started। आज ही के दिन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। 10th November 1997, on this day, WorldCom and MCI Communication had announced merger into 37 billions। आज ही के दिन वर्ल्डकॉम और एमसीआई कम्युनिकेशन ने 37 बिलियन में विलय की घोषणा की थी। 10th November 1997, ऑन दिस डे द चाइना रशिया डिक्लेरेशन एंडेड द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। आज ही के दिन चीन रूस घोषणा पत्र से दोनों देशों के बीच सीमांकन विवाद समाप्त हुआ था। 10th November 2000, on this day, work of Ganga Mekong Link project was started। आज ही के दिन गंगा मेकोंग संपर्क परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ था। 10th November 2002, on this day, Australia won the first Ashes Test from England। आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से पहला एशेज टेस्ट जीता था। 10th November 2004, ऑन दिस डे झेंगझोउ वाज डिक्लेयर्ड द 8th ओल्डेस्ट सिटी ऑफ चाइना। आज ही के दिन झेंगझोउ चीन का 8वां सबसे पुराना शहर घोषित हुआ था। 10th November 2005, ऑन दिस डे Rejecting China's opposition, US President George Bush met with religious leader Dalai Lama। आज ही के दिन चीन के विरोध को अस्वीकार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने धार्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की थी। 10th November 2005, On this day, 57 people died in an explosion in 3 Jordan's hotels। आज ही के दिन जॉर्डन के 3 होटलों में विस्फोट से 57 लोगों की मृत्यु हुई थी। 10th November 2006, ऑन दिस डे श्रीलंकन तमिल पॉलिटिशियन नादा राजा रविराज वाज किल्ड इन कोलंबो। आज ही के दिन कोलंबो में श्रीलंका के तमिल राजनेता नाडा राजा रविराज की हत्या हुई थी। 10th November 2008, on this day India beat Australia from 2-0 to win the Border Gavaskar Trophy। आज ही के दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-0 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। 10th November 2008, on this day NASA announced the conclusion of its फिनिक्स मिशन फॉर मार्स। आज ही के दिन नासा ने मंगल ग्रह के लिए
अपने फिनिक्स मिशन के समापन की घोषणा की थी। तो दोस्तों टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा।